द हिमालयाज, ये आज के हॉटस्पॉट का टॉपिक है। हिमालय पर्वत इंडिया में सबसे उत्तरी भाग में ऊपर की ओर दिखाई देता है, जिसको कि आप मैप से भी देख सकते हैं कि यहां पर वर्ल्ड के जितने हाईएस्ट पीक्स हैं, जितने हायर पीक्स हैं जिनकी हाइट 8,000 मीटर से ऊपर है, वहां पर ये द हिमालयस बायोडायवर्सिटी का हॉटस्पॉट आता है। यहाँ पर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है, वो भी है इसी हॉटस्पॉट, हिमालयन हॉटस्पॉट में ही आता है। हिमालयन हॉटस्पॉट 3,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जो नॉर्दर्न साइड में पाकिस्तान, नेपाल, भूटान से होता हुआ नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया में आता है। यहाँ पर बहुत गहरी चौड़ी नदी घाटियां भी पाई जाती हैं, जो विश्व की सबसे गहरी नदी घाटियां हैं, चौड़ी नदी घाटियां हैं, वो भी इस रीजन पे आती हैं। हिमालयन माउंटेन रेंज जो है वो लगभग 7.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक है ईस्टर्न हिमालय और दूसरा है वेस्टर्न हिमालय। हिमालय में बहुत वैरायटी के इकोसिस्टम होते हैं, ऐसा भी हम बोल सकते हैं कि जितने भी प्रकार के इकोसिस्टम है सबका होम हिमालयन है। यहां पर अगर हम ऊपर जाएं, हिल में ऊपर के साइड में जाएं, तो यहाँ मिक्स्ड कोनीफर और कोनीफर फॉरेस्ट पाए जाते हैं, एल्पाइन मिडिव्यू ट्री भी पाया जाता है और यहाँ पे टॉलेस्ट एल्यूवियल ग्रासलैंड भी पाया जाता है, जो वर्ल्ड का टॉलेस्ट एल्यूवियल ग्रासलैंड है वो भी पाया जाता है। जब हम फुटहिल के साइड पे जाते हैं, अलोंग द फुटहिल, तो यहाँ पर सब ट्रॉपिकल चौड़े पत्ते वाले फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अगर हम मिड हिल की बात करें तो यहाँ पर टेम्परेट टाइप के ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट पाए जाएंगे। अगर हम हायर रीजन पे बात करें, 6,000 मीटर से ऊपर की बात करें, तो आजकल वैस्कुलर प्लांट्स भी यहाँ पे डेवलप्ड किए गए हैं, डिस्कवर्ड किए गए हैं इन 6,000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पर। बहुत सारे बड़े बड़े बर्ड्स, मैमल पॉपुलेशन, जिसमें कि वल्चर, टाइगर, एलिफेंट्स, रेनोज, वाइल्ड वाटर बफेलो, ये सब कुछ इस हॉटस्पॉट में पाए जाते हैं। इतनी सारी डायवर्सिटी है, इतना रिच बायोडायवर्सिटी है, चाहे वो प्लांट के अनुसार हो या एनिमल के अनुसार हो, हर जगह पर बहुत रिचेस्ट है। उसके बाद भी बहुत सारी प्रजातियां विलुप्ति की कगार पर हैं, खतरा है यहाँ पर हिमालयन बायोडायवर्सिटी को। तो ऐसे कौन से रीजन है जिसके कारण इनको खतरा है? यहाँ पर आउटसाइड इमिग्रेशन और इंटरनल माइग्रेशन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है, दोनों ही टाइप का इमिग्रेशन और माइग्रेशन बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है लोगों का, जिसके कारण से ये जो बायोडायवर्सिटी है इसको बहुत नुकसान हो रहा है। यहाँ पर वर्ल्ड वाइड लीगल और इलीगल लॉगिंग, लकड़ी की कटाई हो रही है, जिसके कारण से जो बहुत तीखे स्लोप्स हैं जहां पर फॉरेस्ट पाया जाता था, सब्सटेंशियल रिमूवल हो रहा है उसका, और उसकी जगह पर चौड़े चौड़े जगह बन रहे हैं और वहां पर कृषि कार्य हो रहा है। ये सबसे बड़ा सीरियस इरोजन है यहाँ का। समर सीजन में देखेंगे तो यहाँ पर लोगों को अपने लिव स्टॉक को ले जाने के लिए, रास्ता बनाने के लिए वहां के वेजिटेशन को जला देते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा हैजार्ड है। इसके अलावा रैपिड डिफॉरेस्टेशन, जो जंगल है उनको काटना, फ्रेगमेंटेशन, जो हैबिटाट का है उसका फ्रेगमेंटेशन, और ये जंगलों को काटना, हैबिटाट का फ्रेगमेंटेशन, इसका रिजल्ट क्या होता है कि जो फॉरेस्ट और ग्रासलैंड इकोसिस्टम है वो ब्रेक होने लगता है, उसका साइकिल ब्रेक होने लगता है, साइकिल डिसरप्ट होने लगता है, स्लो होने लगता है, कंटिन्यूटी कम होने लगती है। ये इसलिए भी किया जा रहा है रैपिड डिफॉरेस्टेशन, क्योंकि वहां पर एग्रीकल्चर लैंड का सेटलमेंट करना चाह रहे हैं। ये मेनली नेपाल और इंडियन स्टेट्स ऑफ सिक्किम, वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग, असम, इन साइड के रीजन में ये ज्यादा नोटिस किया जा रहा है। इसके अलावा एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज बहुत बढ़ रही है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज मतलब ह्यूमन की एक्टिविटीज, ह्यूमन का इंटरफेरेंस।
ये बहुत ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि वो अपने पालतू पशुओं को यहाँ पर चराने लेके जा रहे हैं, उनको ग्रेजिंग कराने के लिए ले जा रहे हैं। प्लांट्स की कटाई बहुत ज्यादा हो रही है। कटाई ज्यादा क्यों हो रही है, उसके पीछे कारण है भाई हिमालय है, यहाँ तो बहुत सारी जड़ी बूटियां हैं, बहुत मेडिसिनल प्लांट्स हैं, फ्यूल के लिए लकड़ी का लेटना, मेडिसिनल प्लांट को बाहर भेजना, बहुत सारे नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना, उनको हार्वेस्ट करना, ये सब करने के लिए लोगों का आना जाना बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसके कारण से जो नेचुरल हैबिटेट है वो कहीं ना कहीं नुकसान पे आता जा रहा है। यहाँ पर अनप्लान्ड और पुअर मैनेज्ड टूरिज्म, ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है एनवायरमेंटल डैमेज का, एनवायरमेंटल डिसरप्ट का। हिमालयन रीजन पे इलीगल पोचिंग, इलीगल शिकार, शिकारी भी बहुत ज्यादा हैं, जो स्पेशली राइनोसॉरस का शिकार बहुत ज्यादा करते हैं, क्योंकि राइनोसॉरस ऐसा कुछ मान्यता है कि वो ट्रेडिशनल रेमेडी में यूज होता है। व्हाइट स्नो लेपर्ड, रेड पांडास, ये भी बहुत ज्यादा शिकार किए जा रहे हैं और इनकी संख्या लगातार कम होते जा रही है। तो ये हिमालयन रीजन रिच बायोडायवर्सिटी होते हुए भी आज थ्रेट हो रहा है इनको, बहुत सारी प्रजातियां विलुप्ति के कगार पे हैं।